नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। लखनऊ विकास प्राधिकरण में मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ ही नगर निगम, लेसा, आवास विकास, जलकल, पीडब्ल्यूडी सहित तमाम विभाग के अधिकारी एक ही छत के नीचे जनता की समस्याएं सुनते नजर आए। नागरिक सुविधा दिवस में भारतीय किसान यूनियन अवध के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता तथा किसान यूनियन भानुगुट के कार्यकर्ता अवैध कब्जे की शिकायत लेकर एलडीए दफ्तर पहुंचे। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रांगण में और यहां पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कई विभाग के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, यातायात विभाग, तो ऐसे करके कई जो प्रमुख विभाग हैं महानगर में जो सेवाएँ देते हैं, यानी अगर बात की जाए तो लेसा है, बिजली विभाग है, प्रदूषण बोर्ड है, जल संस्थान है, लोक निर्माण विभाग है, तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो एक ही छत के नीचे बैठे हैं। यानी आज मंगलवार का दिन है और आज यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया और इस नागरिक सुविधा दिवस में लखनऊ की जो मंडलायुक्त हैं रोशन जैकब, वो अध्यक्षता कर रही हैं यहाँ पर, और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार वो भी बैठे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जनता की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होती है कि आज जो भी जनता अपनी शिकायत लेकर के आई है, उस शिकायतों का संज्ञान किस तरीके से लिया जाता है। जो हमारी पुरानी मांगों के लिए आंदोलन चल रहा था उसमें आज समझौता हुआ है। समझौता मतलब वार्ता, नए VC ने कहा कि हम इसको करा देंगे। पहला था कि एक तालाब की ज़मीन है महबूल्लापुर में, घाटा संख्या 969 972 972 976 है, 969 972 992, तो उस पर कह दिया है कि हम उसकी कमेटी जांच कर लें। हमने कहा साहब कोर्ट का आदेश हुआ था और आपकी ज़मीन है, आपने बेच दिया है, तो कोर्ट ने तो कहा तो उनको हटा दीजिए और हटा के दूसरी जगह दीजिए उनको। उस पर बात हुई, कमेटी बना के हम जांच कर लेते और कार्रवाई करेंगे, अब करेंगे नहीं करेंगे तब तय होगा। दूसरा था कि किसानों की रजिस्ट्री होनी है, तो उसके लिए 2-3 तारीख को कैंप यही लगेगा, केवल किसानों की रजिस्ट्री होगी, यही जानकीपुरम किसानों, जानकीपुरम। अभी 84 की लॉटरी हो गई, 84 होना है, हैं तो करीब करीब 1400 के आसपास, तो 1400 खाली करा के अगले बार में देंगे। और मवाजे का एक इशू था कि बसंत कुंज योजना और जानकीपुरम योजना 1981 में एक साथ ली गई थी, वहाँ मुआवजा बढ़ गया है, यहाँ अभी मुआवजा नहीं बढ़ा है, तो कोर्ट के डायरेक्शन पे कागज़ दे दिए। हमने कहा अध्ययन करेंगे, कहीं मैं अभी अभी आया हूँ, अध्ययन करने के बाद इस पर जो होगा, हमने कहा वहाँ डिक्लेयर हो गया, वहाँ किसान मुआवजा उठा चुके, यहाँ के किसानों कोर्ट के आदेश पर सबको दिया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम सबको कैसे दे सकते हैं, तो हम कहे अभी हमने कलियाखेड़े में कराया है, 2 लोग कोर्ट से आर्डर हुआ था और बाकी सभी के लोगों को बढ़े हुए रेट पे अभी बोर्ड प्रस्ताव करा दिया है। तो ये नियम है, कई जगह हम करा चुके हैं, अब उसका अध्ययन करा लिए, कितना लोड पड़ता है, कैसे होगा, हम इसको कराते हैं। अब उन्होंने समय दिया है 15 दिन का, तो 15 दिन में 3 काम अगर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि माह के आखिरी मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार तथा नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक एक करके जनता की समस्याएं सुनी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC प्रथमेश कुमार के मुताबिक कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9 का निस्तारण तत्काल कर दिया गया। वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम की कुल 15 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से मुख्यतः अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट तथा साफ सफाई को लेकर आई थी। सर, आज नागरिक सुविधा दिवस का जो आयोजन किया गया उसमें कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनों का निपटारा किया गया? देखिए, जैसे आप लोग सभी अवगत हैं, मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पर प्राधिकरण में नागरिक समाधान दिवस, नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आज जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त, कमिश्नर मैम खुद और समस्त अधिकारी लोग थे, तो यहाँ पर कुल जो है 37 शिकायतें हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें से 9 का हम लोगों ने वहीं पर फाइल मंगाकर तत्काल रूप से निस्तारण किया गया है, और बाकी शिकायतों को संबंधित जो LDA से संबंधित हैं उसमें LDA के विभाग द्वारा और मेरी देखरेख में उनका निस्तारण किया जाएगा। मैंने इसके संबंध में यहाँ चार्ज लेने के बाद कुछ आदेश भी किए हैं कि जो ऐसी शिकायतें जो नागरिक समाधान दिवस पर प्राप्त होती हैं उस पर मुझे दिखाकर ही उसका निस्तारण किया जाए, ताकि उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
सर, आप चार्ज लेने के बाद में आपने कहा था कि जो पहले शिकायतें प्राप्त हुई थी उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो उन फाइलों पर अब तक कितनी कार्रवाई की? उसमें कुल जो है पिछले नागरिक संविधान दिवस जो है जनवरी में हुआ था, उसमें करीब करीब 80 शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उन सब पे कल हम लोगों ने बैठक की थी, उनका हम लोगों ने रिव्यू किया था। उसमें कुछ जगह पे शिकायत का निस्तारण ठीक नहीं था, तो उसमें मैंने आदेश दिए हैं कि पुनः निस्तारण करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जो आगे से ये नियमित रूप से मासिक रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज जो ये आखिरी मंगलवार को नागरिक समाधान दिवस कमिश्नर मैडम की अध्यक्षता में होता है, नगर निगम की जो कुल शिकायतें प्राप्त हुई है वो 15 हैं, और उसमें जो दो तीन तरह की है, एक अतिक्रमण की है, एक सफाई को लेके है और एक स्ट्रीट लाइट को लेके हुई थी। इसके अलावा प्रियदर्शनी कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव वो लोग भी आए थे, हमारे माननीय पार्षद जी भी आए थे उसमें, कि उसके हैंडिंग ओवर टेक ओवर को क्योंकि उसका डिस्प्यूट था, उसको लेके एक शिकायत थी, जिसको लेके कमीशन मैडम ने ऑर्डर किया है कि एक कमेटी ज्वाइंट जाके सर्वे करेगी और इसका निस्तारण करेगी और जो भी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का इशू है इसको रिजॉल्व करेगी। नहीं, बात सही है, कमेटी नहीं है, लेकिन जैसे जोन वाइज टीम बनाई गई है, और अभी जो हमारा विस्तारित एरिया है सोजी नगर BKT, और इसमें तहसील और नगर निगम की टीम जॉइंटली काम कर रही है, और इसमें कुछ गांवों को चिन्हित किया गया 5, उस पर फोकस किया गया है। हमारे यहाँ से आकाश और जो SDM है जो जोनल 7 देखते हैं, संजय हैं जो जोन 4 देखते हैं, और पंकज है जो संपत्ति अधिकारी है, इन तीनों लोग के और बाकी जो हमारे तहसीलदार लेखपाल ज्वाइंट टीम बना के कर रहे हैं, और जहाँ ताड़बाड़ करना है उसको बाद में करेंगे खाली करा के। इसके साथ अगर तालाब है उसको खुदवाने के भी निर्देश दिए। वहीं दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर लखनऊ के समाज सेवी विवेक शर्मा ने नागरिक सुविधा दिवस में मंडलायुक्त को ऐसे कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही करने की मांग की है। अभी आपने देखा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन हुआ है, और यहाँ पर अध्यक्षता जो मंडलायुक्त कर रही थी, लेकिन वो मीडिया के सवालों से हमेशा बस्ती नजर आती हैं, आज भी वो बस्ती नजर आई, मीडिया के सवालों का जवाब न देते हुए वो निकल गई। फिलहाल यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस के आयोजन में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो पहुँच रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ समाज सेवी विवेक शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या थी, किन चीज़ों को लेकर के आप आज नागरिक सुविधा दिवस में आपको आना पड़ा। देखिए, ये जो अभी विभीषिका हुई है 3 दिन पहले, जिसमें छात्रों की मौत हो गई और IAS कोचिंग चलती थी, ऐसे ही यहाँ पर हजारों कोचिंग लखनऊ में शहर में चल रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मानक विहीन कोचिंग है इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। जो बेसमेंट में चल रही हैं, या जैसा अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ ही टाइम पहले ही हमारे यहाँ यहाँ पर एक कोचिंग में आग भी लग गई थी, क्योंकि उसका निकास द्वार 2 नहीं थे, केवल सिंगल निकास द्वार था। तो बच्चों की जो हमारे विद्यार्थी हैं जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर और जो IAS PCS तक की कोचिंग चलती है, उसमें मानक विहीन तरीके से जो पढ़ाई की जा रही है या वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसको यहाँ जो जितने भी विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम हुआ, DM कार्यालय हुआ और मंडलायुक्त कार्यालय है, इसके अलावा जो प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इन सब कारणों के पीछे होता अग्निशमन विभाग, जो NOC जारी करता है, क्योंकि मानचित्र तो पास करता है लखनऊ विकास प्राधिकरण, और ये अग्निशमन विभाग जो है ये अपना किस तरीके से NOC दे देता है कि मानक विहीन अपार्टमेंट बने हुए हैं या बिल्डिंगें बनी हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर के आप लखनऊ विकास प्राधिकरण में आए हुए थे, वो आपके हाथ में कुछ कागज़ है, इसमें किस समस्या को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हुए थे? मेन समस्या मैंने यही एक समस्या दी थी कि शहर में खतरनाक इमारतों में जो जिस तरीके से कोचिंग चल रही हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए और इसमें जो भी मानक होते हैं वो पूरे किए जाएं, उसके बाद ही बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए किसको ज्ञापन आपने दिया, क्या है? आज ये मंडलायुक्त महोदया को ये ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने DM साहब को ही तुरंत मार्क कर दिया था, और DM साहब ने बोला है कि इसके लिए हम लोग ADM के साथ मिलकर एक कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। ये आप लोगों ने दिया भी है और समाज के हित के लिए अगर आप लोग कार्य कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का काम है कि उसको सुनियोजित तरीके से जो विकास है क्षेत्र का, शहर का, महानगर का, वो उसके हाथ में होता है। उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी लखनऊ शहर के अंदर ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर अभी भी
फायर एनओसी नहीं है और जो फायर एनओसी दी भी गई है वहाँ पर अभी भी वो समस्याएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में कई लोग यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस में आज पहुँचे थे और इस शिकायत को लेकर के कि कम से कम जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन कोचिंग सेंटरों का एक बार जाँच किया जाए, आखिर वहाँ पर विद्युत संयंत्र किस तरीके से लगाए गए हैं, अगर बात की जाए अगर वहाँ आग लग जाता है, अगर आग लगने की सूचना होती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाता है, किस तरीके से एनओसी दी जा रही है। तो ऐसे तमाम शिकायतें यहाँ पर पहुँची, कई ऐसे शिकायतें आई हैं जो भू माफिया कब्जा भी करके बैठे हुए थे। तो तमाम शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए यहाँ अधिकारी बैठे हुए थे। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों से कितनी शिकायतों का संज्ञान लिया गया और किस पर कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।